मोहन जी, आप मोहन जी है, कहां से आए? क्यों आए? संयुक्त परीक्षा में के लिए आए, और यहां से कहां जाते हैं? प्रश्न सरल है ना, प्रश्न सरल है ना, यही प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे तो आप कौन है बोले तो मोहन, एक्चुअल तुम मोहन नहीं हो। मोहन अपने मां के गोद से आने के बाद रखा हुआ है। मोहन तभी था, 9 महीना मां के गोद में था, वो कौन था? वो कौन था? ओके छोड़ो, आप सोलापुर से आए थोड़ी ना, मैं पूछता हूं इस धरती को आप कहां से आए? थोड़ा सोचो, इस धरती के ऊपर कहां से आए? सोलापुर से आए बोले ना, अभी बोलो कहां से आए? इतना सरल नहीं है, कहां से आए नहीं मालूम हुआ। अब इधर क्यों आए? शंकर प्रक्षण के लिए आए थे ना। मैं पूछता हूं इस धरती पर क्यों अवतार लिया तुमने? कोई बोल रहे थे क्या, आओ आओ तुम्हारे बिना एक धरती अधूरा है बोलते, क्यों आए तुमने इधर? क्यों आए, क्यों आए मालूम है क्या? क्या करने के लिए आए हैं? क्या कर रहे हैं? एक पेड़ भी दूसरों को हेल्प करता है, आप लोग किसको लाभ है? आप आने से किसको उपकार हो जाएगी? अपने लिए जी रहे ना, अपने परिवार के लिए जी रहे ना। देखो एक पेड़, आम के पेड़ देखो, ये अपने आप ही कहते क्या आम को? गाय अपने दूध को आप ही पीते क्या? कम से कम ये तो ध्यान में रखना है ना। तो छोड़, अब एक समाप्त होता है सोलापुर जाके वापस। मैं पूछता हूं इस धरती को आए ना, कितने व्यक्तियों को मर जाने के बाद माटी में रख के आए हैं, कहां भेज दिए है ये सब लोग, कहां गए? एक बार अपने जिंदगी में सोचो ना, 4 प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, और मैं फिर कहां जाता हूं? सीरियसली सोचो ना, सीरियसली। तो साक्षात यही साक्षात्कार है और कुछ नहीं चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, ये मैं बोले तो गुरुजी पागल हो गया। गुरुजी पागल है, अपने पागलपन को हमें भी लगाना चाहते हो, वही सब बोलते हैं। वेरी सीरियसली आप आज आए हैं आश्रम को, 4 प्रश्न को लेके चलो, 4 प्रश्न को। हर एक संत, हर एक स्वामी जी, हर एक योगी ऐसे 4 वाक्य को पीछे पड़ता है। मैंने बताया था कल, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मात्मि, 4 महावाक्य है। ऐसे कबीरदास के जीवन में भी 4 वाक्य आ जाता है। मैंने 4000 किताबें पढ़ ली, मैंने 4000 किताबें पढ़ ली, इसमें 4 बातें निकली जिंदगी के लिए। 4000 किताबें पढ़ ली, 4 बातें निकली, इसमें 2 बातें भूल जाने का, इसमें 2 बातें भूल जाने का, 2 बातें याद रखने का। देखो कौन है, क्या है, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है। ये 2 बातें भूल जाओ, अगर किसी को आप उपकार किए तो भूल जाओ। ये सब मैंने किया, मैंने दिया, मैंने डोनेशन दिया, बोल मत बोलो। 5000 दिए ना डोनेशन, मत बोलो। 5000 दिए आपको पुण्य हो जाता है, परंतु बोले तो नष्ट हो जाता है। काहे के लिए बोलते, देने के लिए तो कुछ लाए थे क्या? कहां दिया, कैसे दिया, कौन दिए,
इसके लिए किसी को आप उपकार किए तो उठ जाओ सदैव के लिए, और कोई अपने जीवन में अपकार किए तो भूल जाओ। ये ऐसा किया ना, सांप का द्वेष 12 साल, मेरा सौ, मेरा रोष 100 साल, ऐसे जीव मत, ऐसे जीव मत। अब तो कोई अपकार के भूल जाओ, उस क्षण जो होने वाला था हो गया, वो क्षण था अब हिस्ट्री हो गया, भूल जाओ। इसको माथे में रख कर क्यों तुम तड़पते? तो अपकार किए तो भूल जाओ, उपकार किए तो भूल जाओ, दो बातें। और याद रखो तुम दो बातें, कौन सा? भगवान है रे, भगवान है, ये कभी भी ना भूल जाना, भगवान है। और दूसरा बात, तुम मर जाओगे एक न एक दिन, आखिरी क्षण कब आता किसी को ना पता। यूं चलते चलते हम बोले बस गए, क्या गए? अभी अभी किसने कराया था? अभी अभी हम दोनों मिल के सिंगा दे के आए थे। कैसे जीवन, कैसे जीवन, और बाद में बोलते हे भगवान देवो तो देवो मुझे मरण, इसको इस आदमी को दिया ना वैसा देव। ये क्या अपने हाथ में है क्या? मरण में आपका पुण्य पाप मालूम हो जाता है, कैसे तुम मरते हो गए। इसके लिए कबीरदास के जीवन में भी चार वाक्य आ जाता है, इसके लिए वो सब छोड़ो, मैं ये चार वाक्य बताया है ना, प्लीज प्लीज मैं बोलता हूं, घर में जाके ध्यान में जब बैठता है ना, गुरु जी दिए सो चार प्रश्न को मन में ले, मैं कौन हूं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नारम, एक वाक्य है और गाते हैं, क्या पढ़ा, क्या क्या तुमको मिला? तो गाना हो गया, परंतु इसका अर्थ भावार्थ गुणार्थ को कोई नहीं जाने। मन भी आप नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, स्वयं तुम भी नहीं है। तुम मनोबुद्धि अहंकार चित्त आणि नाहम, ना जो अल्लाह ना वो नहीं हूं मैं, फिर कौन है? मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर योग में मिलता है जी, यही परम ज्ञान है। परम ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, प्रश्न का उत्तर मिले तो आप ज्ञानी बन जाते। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सब लोग इसमें अपने जीवन बीत गए हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? रमन महर्षि सुनाई क्या मैं? रमन महर्षि मैं कौन हूं? इसी को दूसरा क्यों आए, मैंने कहां से आए और यहां से कहां जाता? चार प्रश्न, चार प्रश्न मन में रखते हैं ना, तो आप इसके बारे में सोचो तो आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। आप आश्रम पाए एक ज्ञान प्राप्त करके जाओ और ध्यान में डूबो, कुछ भी करो तो जब आंखें बंद करके बैठते ना, याद रखो गुरु जी का चार वाक्य, मैं कौन, मैं कहां से आया और क्यों आया, क्यों आया, मैंने क्या क्या उद्देश्य रख कर आया, क्यों भगवान भेजा है हमें, और यहां से मैं कहां जाऊंगा। बस इसके साथ आप सदैव सुख भाव से, प्यार भाव से, भक्ति भाव से जियो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तुम भी जियो, आराम से जियो, खुश जियो, सुख से जियो, मंगलमय भाव से जियो, हर एक में भगवान को देखो, हर एक में ग्रेटनेस देखो। बाहर सुना है, बाहर पढ़ा है क्या कुछ? क्लिप योगा क्लिप दिया है, डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, एक वाक्य मैं एक एक महीना तक इसमें प्रवचन देता हूं मैं, डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। और वो भी पढ़ो, ए लाइक ए बॉडी इज लाइक ए व्हीकल, बॉडी इज लाइक ए व्हीकल,
नया व्हीकल है तो ढर मारते हैं, और 50 साल का गाड़ी है बोल तो धक्का ऐसे। आप 50 साल की गाड़ी आए कब रुक में रुक जाता है किसी को ना पता। इसके लिए एक गाड़ी को तंदुरुस्ती में रहने के लिए आप बार बार आपने आप ही बोले ना, कम तो कम एक साल में 2-3 बार इधर आके अशोक के साथ आके शंख प्रक्षारण, सिर्फ शंख प्रक्षारण करने के बाद कुछ तो कुछ मिलेगा और गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। आश्रम के पॉजिटिव परिसर में आप 2 दिन बीत गएगा, 2 दिन बीते इस कोशिश के साथ आप घर जाओ। अपने जो कामकाज रहता है भक्ति भाव से करो, भगवान को श्रद्धा करके करो, अर्पण करके सब कुछ मिलेगा आपको। इसी वाक्य के साथ श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय गुरुदेव, सुखी भव, श्री ओम मंगलम भव। उभे राहायचं आणि सर्कल करायचं।